देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपने पास में चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में क्या करना है? चैप्टर नंबर 11 बेसिकली अपने पास में स्टूडेंट्स है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। बड़ा ही अच्छा और इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है ना। इसको अपने को समझना है कि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का क्वेश्चन अगर तो होता है तो उसका जो बेसिक है जैसे 11.1 एक्सरसाइज हो जाएगी, उसको अपन पहले डिस्कस करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, वो क्या कहता है 11.1 एक्सरसाइज में, क्या कहता है 11.1 एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स अपने पास में, ये है कि सबसे पहले हमने जो चैप्टर नंबर 10 पढ़ा था वेक्टर, उसके कुछ आपके पास में चीज़ें ही यहाँ पे यूज़ हुई है 11.1 एक्सरसाइज के अंदर। तो उसको अपन देखते हैं आपके पास में किस तरीके की चीज़ें यूज हुई है 11.1 एक्सरसाइज की। सबसे पहले आपके पास में स्टूडेंट्स को एक लाइन है, वो लाइन क्या कर रही है, उसके आपके पास में डी आरस गिवन है स्टूडेंट्स, ए बी सी डी आरस है उस लाइन के, ए बी सी आर द डी आरस ऑफ लाइन एंड एल एम एन आर द डी सी। डी आरस का मतलब सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा, डी आरस का मतलब क्या था डायरेक्शन रेशियो, और डी सी का मतलब क्या था डायरेक्शन कोसाइन अकॉर्डिंग टू द चैप्टर नंबर 10। ठीक है, चलते हैं अपने पास में डी आरस और डी सी अगर स्टूडेंट्स अपने को गिवन है तो क्या क्या रिलेशन निकल सकते हैं डी आरस और डी सी में, क्या क्या रिलेशन होते हैं, तो वो अपने को यहाँ पे मैंने लिखे हैं जो ध्यान में रखने हैं। पहला, फर्स्ट, हमेशा डी सी और डी आरस का रेशियो जो है वो आपके पास में हमेशा डीसीज और डीआरस क्या होते हैं एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है पहला पॉइंट, किसी भी लाइन के डीसीज उस लाइन के डीआरस के प्रोपोर्शनल होते हैं, और प्रोपोर्शनल की जो वैल्यू है वो क्या आती है, वो एक कांस्टेंट आता है। ये अपने को ध्यान में रखना है पहला पॉइंट कि डीसीज और डीआरस हमेशा प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब रेशियो होता है, एक दोनों का रेशियो निकाले तो हमेशा उनका रेशियो जो होगा वो हमेशा क्या आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, किनके डीसीज और डीआरस के रेशियो को। दूसरी चीज ये भी हमने पहले यूज किया था कि डीसीज के स्क्वायर का सम मतलब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर हमेशा वन होगा, या फिर हमने इसको ये भी कहा था स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना होता है वन होता है। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। एल इज इक्वल टू क्या कहते हैं, कॉस अल्फा कहते हैं, एंगल विद द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल होता है लाइन का, जो आपके पास में थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर जो आपके पास में लाइन होती है एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस दैट कॉस कॉस अल्फा। एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, एंगल विद द वाई एक्सिस के साथ में जो बना हुआ एंगल होता है दैट्स बीटा जिसको अपन एम कहेंगे, और एंगल विद जेड एक्सिस के साथ में होता है जिसको कॉस गामा जिसका नाम क्या रखना है हमें एन रखना है स्टूडेंट्स। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा भी हमें ध्यान में रखना है। ओके, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, एल इज इक्वल टू हम एल को कैसे निकाल सकते हैं, अगर अपने को डी आरस गिवन है और डी सीज निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ए अपॉन प्लस माइनस ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट इज एल कॉस अल्फा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। एम निकालना है तो बी अपॉन, देखिए दूसरा होता है तो आपके पास में बी से निकलेगा प्लस माइनस बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी आरस के रेशियो के स्क्वायर का सम का अंडर रूट डिनोमिनेटर के अंदर लिखेंगे, और n इज इक्वल टू प्लस माइनस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट्स अपने पास में एल एम और n आ जाएगा। तो जब डी आरस गिवन हो और डी सीज निकालनी हो तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, डी सीज ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डी सीज कितने होते हैं वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखने हैं। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डी सीज की बात करें, डायरेक्शन कोसाइन की बात करें आपके पास में तो दैट्स 100010 और 0010। 100 क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस क्या होता है, जब एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस खुद से कितना एंगल बनाता है जीरो, तो कॉस जीरो हो जाएगा, तो कॉस जीरो आपके पास में कितना हो जाएगा, कॉस जीरो हो जाएगा तो एल तो वन हो जाएगा। फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ में कितना एंगल बनाता है 90, तो कॉस 90 जीरो। एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के साथ में कितना बनाता है तो आपके पास में क्या हो जाएगा जीरो। सेम वाई एक्सिस सेल्फ के साथ में जीरो है, बाकी दो के साथ में 90, तो जीरो जीरो के कॉस जीरो की वजह से वन, और सेम जेड एक्सिस में जीरो जीरो और क्या हो जाएगा वन। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के क्या आ जाएंगे डीसीज आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है आपके पास में गिवन थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर आपके पास में थ्री पॉइंट्स कोलिनियर है तो वैसा तो हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था कि ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी करके भी कोलिनियरिटी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि अगर ए बी के डी आरस निकालें ओके स्टूडेंट्स, और बी सी के डी आरस निकालें, ए बी के डी आरस निकालें और बी सी के डी आरस निकालें और दोनों के डी आरस का ले लेवे अपन रेशियो मतलब रेसिप्रोकल कर देवे प्रोपोर्शनल कर देवे, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, तो अपने पास में डी आरस ऑफ ए बी एंड डी आरस ऑफ बी सी आर प्रोपोर्शनल, मतलब इन दोनों का जो रेशियो लेवे तो रेशियो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आती है। जैसा कि अपन ने आपके पास में देखा है कि अगर दो लाइन आपके पास में पैरेलल होती है तो उनके डी आरस इक्वल होते हैं, तो अपन ऐसा ही एज्यूम करते हैं कि ए बी और बी सी क्या है एक तरह की पैरेलल लाइन की तरह कंसीडर करते हैं। अगर कोलिनियरिटी की बात करें तो डी आरस ऑफ ए बी और डी आरस ऑफ बी सी को जब डिवाइड करेंगे
ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू, तो हर बार एक रेशियो आएगा, तो अपन कहेंगे कि डी आर्स क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो बी पॉइंट क्या हो जाएगा, कॉमन पॉइंट हो जाएगा, देयर फोर ए बी सी क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, आपके कोलिनियर हो जाएंगे। तो ये दो आपके पास में कुछ एक कंसेप्ट है जो अपने को ध्यान में रखने हैं, है ना। आपके पास में ये ई है, इसको ई कह देते हैं, और ये एफ, ठीक है। ये कुछ कंसेप्ट है जो अपने को स्टूडेंट्स ध्यान में रखने हैं, किससे रिलेटेड है, एक्सरसाइज 11.1 से रिलेटेड है, कि इसके बेसिस पर हम एक्सरसाइज 11.1 कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 11.1 में क्या करना है। 11.1 बहुत ही इंट्रोडक्शन की एक्सरसाइज है जो चैप्टर नंबर 10 से रिलेवेंट है। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.1 में अपने को क्या करना है। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है आपके पास में 11.1 में कि अल्फा इज इक्वल टू 90 है, बीटा इज इक्वल टू 135 है, गामा इज इक्वल टू 145 है, तो बताओ कि एल एम एन मतलब डिसीज क्या होगी, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा क्या होंगे, ये हमें बताना है। तो इसको हमने बताया, तो एल इज इक्वल टू कॉस 90, एम इज इक्वल टू कॉस 135 और एन इज इक्वल टू कॉस 45। वैल्यू पुट करनी है, एल इज इक्वल टू 0, एम इज इक्वल टू माइनस का 1√2 और एन इज इक्वल टू कितना आ गया, 1√2 ओवर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन कह रहे हैं आपके पास में, लाइन मेक्स द इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इक्वल एंगल बना रहे कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, इसका मतलब कि कॉस बीटा कॉस गामा और कॉस आपके पास में अल्फा क्या है, इक्वल है, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा इक्वल है, इसका मतलब एल एम एन इक्वल है, इसका मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा इक्वल है। तो अपन कहेंगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएंगे क्योंकि बीटा की जगह भी कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस गामा की जगह भी कॉस स्क्वायर अल्फा, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो सॉल्व किया तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस 1√3, जो कॉस बीटा और कॉस गामा का क्या होगा स्टूडेंट्स, इक्वल होगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, डी आर्स आपको गिवन है -18, 12 और -4। ओके, डी आर्स के लिए आप ऐसे सिंबल यूज कर सकते हो, पैरेंथेसिस ग्रेटर देन लेस देन वाले, ब्रैकेट नहीं बना सकते। ओके, तो डी आर्स आपको गिवन है -18, 12 और -4, तो आपको डिसीज बताने हैं कि डिसीज क्या होंगे। तो डी आर से डिसीज निकालने के लिए फॉर्मूला पड़ा था, एल इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इज इक्वल टू बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड एन इज इक्वल टू -4 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसको हमने सॉल्व किया स्टूडेंट्स, तो दैट इज -18 अपॉन ये आ गया, 12 अपॉन रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ सम आ गया, और -4 अपॉन रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ सम आया, दैट इज 18 अपॉन 848, जिसको 22 का अनरूट कह सकते हैं, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, दैट्स 11। आपके पास में 9/11, 6/11 और -2/11 क्या हो जाएगा, आपका डिसीज हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, ए बी सी 3 पॉइंट्स है 2, 2, 3, 4, -1, -2, 1 और 5, 8, 7 आर द कोलिनियर, ये कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन के अंदर है। तो आपको बताना है कि डी आर्स ऑफ ए बी कितना है, -3, -5, -3 है, आप सॉल्व कर सकते हैं, 5 -2 करेंगे -3, 8 -3 करेंगे -5 और 7 -4 करेंगे -3, दैट्स कॉल्ड डी आर्स ऑफ ए बी। और इट्स कॉल्ड डी आर्स ऑफ बी सी, डी आर्स ऑफ बी सी निकाला 6, 10, 6। अब इन दोनों का रेशियो लेना है, प्रोपोर्शनल है कि नहीं है, तो आपने पास नहीं दिया, तो दैट्स द आपके पास में क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू बी सी है, ए बी पैरेलल टू बी सी है, तो बी क्या हो जाएगा, एक कॉमन पॉइंट है इनका, क्योंकि ये रेशियो आपके पास में प्रोपोर्शनल है, तो बी कॉमन पॉइंट है, इसका मतलब हो गया कि ए बी सी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको करना है होमवर्क के अंदर। ओके, तो आपके पास में ये थी एक्सरसाइज 11.1, यहाँ तो इंट्रोडक्शन था आपके पास में, अब मेन जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टूडेंट्स यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे आपके पास में दो चीज़ें चलेगी, एक चीज़ आपके पास में पहली जो आपके पास में पढ़ना है स्टूडेंट्स, वो पढ़नी है लाइन, लाइन के अंदर आपके पास में दो तीन चीज़ें पढ़नी है, और लाइन के बाद में आता है प्लेन, है ना, दो चीज़ डिफरेंट है, एक लाइन है और एक प्लेन है। लाइन को पढ़ेंगे आपके पास में, उसके बाद प्लेन को पढ़ना है, फिर जब प्लेन पढ़ेंगे ना, तो लाइन की चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। अगर लाइन की चीज़ों को अपन ध्यान में नहीं रखेंगे कि लाइन में क्या होता था, कैसी इक्वेशन होती थी, अगर वो सब सारी चीज़ें ध्यान में नहीं रखेंगे स्टूडेंट्स, तो प्लेन के क्वेश्चन हमारे गलत हो जाएंगे। ओके, तो लाइन भी पढ़नी है, प्लेन भी पढ़ना है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। लेकिन जब प्लेन पढ़ेंगे तो लाइन को भी दिमाग में लेते हुए चलेंगे कि लाइन में ऐसा होता था, प्लेन में ऐसा हो रहा है, लाइन में ऐसा होता था, प्लेन में ऐसा होता है, लाइन में ऐसा होता था, प्लेन में ऐसा होता है, नहीं तो क्या हो जाएगा, लाइन और प्लेन मिक्स हो जाएगी और आंसर कुछ और हो जाएगा। ओके, तो अपने पास में देखते हैं इसके बाद में, देखो लाइन के बारे में, लाइन इन 3D, हमने 11th क्लास में पढ़ी थी लाइन इन 2D, चैप्टर नंबर 10 था स्ट्रेट लाइन इन 2D, ये यहाँ पे अपने पास में अपन पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन इन 3D, 3D के अंदर स्ट्रेट लाइन किस तरीके से परफॉर्म की जाती है, क्या क्या उसके प्रोसेस होते हैं, क्या क्या उसकी चीज़ें होती है। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपने पास में अपने को इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है कि इक्वेशन ऑफ लाइन किस तरीके से है स्पेस के अंदर, इसका मतलब 3D ज्योमेट्री के अंदर आपके पास में इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो 3D ज्योमेट्री के अंदर मूव कर रही है, तो आपको इसको फाइंड करना है। तो देखेंगे किस तरह की कौन कौन सी चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है,
बेसिकली स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर आपके पास में पढ़ेंगे अपने पास में ये जो चल रहा है ये बेसिक ऑन द बेस ऑन द फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो आपके पास में आप क्वेश्चन कर पाएंगे, आपको फॉर्मूले याद करने हैं, बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं होगा। फॉर्मूला डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फूड होता है क्वेश्चन के अंदर, वो तभी हो पाएगा जब आपने इसको पढ़ा है अच्छे से, फॉर्मूलों को याद किया है। तो अगर फॉर्मूले आपको याद नहीं करेंगे तो आपके पास में आपका काम नहीं होने वाला। अगर ये इतने सारे आपको फॉर्मूले पता है जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं अभी, ये सब सारे फॉर्मूले अगर आपको पता है, अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे कैसे क्या है, तो आपकी 11.2 बड़े इजीली से हो जाएगी, जो पूरे स्ट्रेट लाइन के बेसिक उसके ऊपर बेसिस है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना थ्री डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन, कि थ्री डायमेंशनल आपके पास स्ट्रेट लाइन क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ आपके पास में देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन या स्पेस दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है, दो बेसिकली इसकी कंडीशन है, दो कंडीशन है। पहली, इट इज पासिस थ्रू द गिवन पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट, मतलब एक पॉइंट गिवन होगा वहां से पास हो रही है, एंड इट हैज अ गिवन डायरेक्शन, मतलब उसकी डायरेक्शन गिवन होगी, या फिर हम कह सकते हैं क्या गिवन होगा, उसका एक पैरेलल वेक्टर गिवन होगा। मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन पहली कंडीशन होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर इज गिवन। अपन इस तरह से इसको याद रखेंगे, वापस बोल रहा हूं मैं, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द वन पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर इज गिवन। आई बात समझ में, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट, जो गिवन पॉइंट से पास हो रही है और उसका पैरेलल वेक्टर गिवन है, तो उसको किस तरीके से फाइंड करना है। पहली कंडीशन कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर इज गिवन। दूसरा, इट्स पासिस थ्रू द पॉइंट टू पॉइंट, मतलब दो कंडीशन है, पहली इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द वन गिवन पॉइंट और पैरेलल वेक्टर इज गिवन, दूसरा इट इज पासिस थ्रू द टू पॉइंट्स, मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम टू पॉइंट्स। जैसा अगर अपन थोड़ा आपको याद आ रहा हो, अगर 11th क्लास में अपन चले रिकॉल करें 11th क्लास को, तो टू डायमेंशनल ज्योमेट्री का जो स्ट्रेट लाइन थी उसका पहला टॉपिक क्या था, उसका पहला टॉपिक ये था स्टूडेंट्स कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द वन पॉइंट्स एंड स्लोप इज गिवन। याद करो, स्ट्रेस डालो दिमाग के ऊपर थोड़ा सा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द वन पॉइंट एंड स्लोप m इज गिवन होता था वहां पे। यहां पे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर इज गिवन, जहां पे स्लोप m होता था उसकी जगह अब हमारे पास में थ्री डायमेंशनल में कौन आया गया है, पैरेलल वेक्टर आ गया है। ओके, सेकंड टॉपिक क्या था उसका, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, दो पॉइंट से पास होने लाइन की इक्वेशन उसमें भी थी, दो पॉइंट से लास्ट पास होने लाइन की इक्वेशन इसमें भी है, उसमें डिफरेंस थी, इसमें डिफरेंट होगी क्योंकि वो टू डायमेंशनल थी, ये थ्री डायमेंशनल है। ओके, तो दो टॉपिक ध्यान में रखने हैं, पहला इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट एंड हुज पैरेलल वेक्टर इज गिवन, और सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम टू पॉइंट्स, दो पॉइंट से पास होती है तो उसकी इक्वेशन किस तरीके से हो रही है, फिर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन आएगी। देखो कैसे, पहले की बात करते हैं अपन, अगर आपके पास में है कि इट इज पासेस थ्रू, इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ए, ए पॉइंट से पास हो रही है जिसके कोऑर्डिनेट्स तो गिवन होंगे ना भाई, ए पॉइंट से पास होगी तो कोऑर्डिनेट तो गिवन होने, तो ए पॉइंट से पास हो रही है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स वन वाई वन और जेड वन, एंड उसका जो पैरेलल वेक्टर है, हमेशा पैरेलल वेक्टर का नाम हम क्या रखेंगे, बी वेक्टर रखेंगे, वो भी एक वेक्टर होगा जिसका नाम क्या है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो एक दो चीज़ें होंगी, पहला गिवन पॉइंट हो गया, ये तो आपका पॉइंट हो गया, और ये आपके पास में क्या हो गया, ये आपका पैरेलल वेक्टर हो गया। तो दो चीजें गिवन है आपके पास में, एक तो पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर, ठीक है। तो आपके पास में क्या करना है, ये जो पॉइंट गिवन है इससे आपको बनाना है पोजीशन वेक्टर, क्या बनाना है स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजन, पोजीशन वेक्टर जिसका नाम क्या रखोगे, ए वेक्टर, जो कितना होगा, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, पोजिशन वेक्टर बनाना पड़ेगा, उस पोजिशन वेक्टर का नाम क्या रखना है स्टूडेंट्स, ए वेक्टर, ठीक है। कौन से, कहां से बनेगा, ये जो पॉइंट ए होगा उसका पोजिशन वेक्टर ए वेक्टर बनेगा, पॉइंट बी का पोजिशन वेक्टर बी वेक्टर बनेगा, ठीक है। तो अब आपके पास में हर एक, यहां पे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री की एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पे जो भी चीजें पूछी जाएगी आपके पास में, जैसे इक्वेशन पूछी जाएगी तो दो इक्वेशन होगी आपके पास में, एक वेक्टर इक्वेशन होगी और एक कार्टेशियन इक्वेशन होगी। देखो क्या है, तो सबसे पहले आपके पास में वेक्टर इक्वेशन जिसके अंदर वेक्टर लगा होगा, कार्टेशियन इक्वेशन जिसके अंदर एलजेब्रा होगा, एक्स वाई जेड होगा, और आपके पास में वेक्टर नहीं होगा, मतलब वेक्टर की इक्वेशन में वेक्टर होगा, कार्टेशियन इक्वेशन में वेक्टर नहीं होगा। तो कार्टेशियन इक्वेशन होगी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, स्टूडेंट्स ये अपने को याद रखनी है, आर वेक्टर की फॉर्म में ही आंसर आपको लिखना है, आर वेक्टर की करके ही आपको आंसर लिखना है, आर वेक्टर, ए वेक्टर कौन है, अभी अपन ने निकाला, ए वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट्स, दैट्स योर ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट्स, गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है आपका ए वेक्टर। ये कहां से मिलेगा, ये जो पॉइंट गिवन है उसको क्या बना दो, डायरेक्टली वेक्टर बना दो, तो दैट्स कॉल अ पोजीशन वेक्टर। बी वेक्टर कौन था, बी वेक्टर स्टूडेंट्स आपका पैरेलल वेक्टर जो आपको गिवन था, दैट्स कॉल अ बी वेक्टर। तो पहली वेक्टर इक्वेशन आ गई, दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, दैट्स कॉल योर वेक्टर इक्वेशन। आई बात समझ में,
ये वेक्टर इक्वेशन है किसकी, पहली कंडीशन कौन सी, एक पॉइंट गिवन है और उसके पैरेलल क्या गिवन है स्टूडेंट्स, एक वेक्टर गिवन है, तो उसकी वेक्टर इक्वेशन आपके पास में हो गई आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। आपको भी इसी तरह से लिखनी है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर ही लिखना है आपको आपके पास में। ओके वैसे इसका अपन डेरिवेशन भी समझ सकते थे कि कहाँ से आया है अपने पास में, पर उससे अपने को ज्यादा मतलब नहीं है, अपने को मतलब है कि फॉर्मूला क्या होता है वेक्टर इक्वेशन का फर्स्ट कंडीशन में, आई बात समझ। सेकंड इसकी जब वेक्टर इक्वेशन आ गई तो कार्टेशियन इक्वेशन भी आएगी। कार्टेशियन इक्वेशन कैसे बनाते हैं, आर वेक्टर की जरा पोजीशन वेक्टर रख देते हैं, पोजीशन वेक्टर होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, दैट्स योर आर वेक्टर। ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, इन सबको पुट करके कंपेयर करते हैं तो ये गेट द कार्टेशियन इक्वेशन। तो आपको कार्टेशियन इक्वेशन मिलती है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये इसी फॉर्मेट में रहती है, दो इक्वल टू आते हैं, हाँ इसमें दो इक्वल टू आते हैं ओके आपके पास में, क्योंकि ये दो इक्वल टू कहाँ, इससे कंपेयर करके वैल्यू से निकलती है लैम्डा की वैल्यू से, तो तीनों इक्वल होती है तो आपके पास में ये आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कार्टेशियन इक्वेशन को इस तरीके से लिखना होगा, तो एक्स वन वाई वन और जेड वन क्या होंगे, ये जो एक्स वन वाई वन और जेड वन है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये है आपके पास में कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, और ए बी सी क्या है, ए बी सी स्टूडेंट्स आपके पास में है डी आरस ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर के डी आरस है, और ये क्या है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट से x1 y1 z1, और ए बी सी क्या है जो डिनोमिनेटर में लगे हुए दैट सब b के कोऑर्डिनेट्स है। तो दो चीजें आपने ध्यान रखी, वेक्टर इक्वेशन r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, और कार्टेशियन इक्वेशन होगी x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, और z माइनस z1 अपॉन c। x1 y1 z1 कौन है, दैट्स पॉइंट a, जो पॉइंट a गिवन है इसके कोऑर्डिनेट्स है, और आपके पास में ए बी सी कौन है, दैट्स पैरेलल वेक्टर b के आपके पास में dr से। तो हमने लिख दिया दैट इज अ वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन, पहली कंडीशन कौन सी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर इज गिवन। ओके चलते हैं नेक्स्ट, सेकंड टॉपिक था इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम टू पॉइंट्स, दो पॉइंट से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन क्या होगी। एक लाइन की इक्वेशन है जो दो पॉइंट से पास होती है, दो पॉइंट से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन आपको बतानी है कि वो क्या होगी। तो हमने कहा भैया देखो है तो यही चीज है, तो ये का यही है, लेकिन चेंज कहाँ हो रहा है देखना। तो आपके पास उसकी भी दो इक्वेशन होगी, तो हमने कहा कि आपके पास में दो पॉइंट है, पहला पॉइंट है आपके पास में ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और दूसरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स x2 y2 और z2। एक पहला पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, एक दूसरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2। अब आपको क्या करना है, दो चीजें निकालनी है, वेक्टर इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन इज इक्वल टू आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए। देखो ए तो एज इट इज है, बस चेंज क्या हुआ है, ये पैरेलल वेक्टर आ गया, क्योंकि आपको पैरेलल वेक्टर नहीं गिवन था, आई बस समझे, बी वेक्टर नहीं गिवन था, पॉइंट तो गिवन था, पहला पॉइंट आपके पास में ए है, उसको पॉइंट ए की फर्स्ट पॉइंट की तरह कंसिडर किया हमने, बी वेक्टर नहीं गिवन है, तो बी वेक्टर नहीं गिवन है, तो इसके लिए अपन क्या निकालेंगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर निकलेंगे, तो क्या होगा, जो आपके पास में लाइन ए बी बनेगी उसका एक वेक्टर निकलेगा। भाई आपके पास में देखो समझो कंसेप्ट को समझो, ये आपके पास में लाइन है ए बी, ये ए है और ये बी, हमारा एक पैरेलल वेक्टर बी वेक्टर यहां होना चाहिए था लाइन को निकालने के लिए। तो देखो क्या होगा, ए बी लाइन इस पैरेलल वेक्टर के पैरेलल, बी वेक्टर के पैरेलल है, ए बी लाइन जो है ए बी से बनने वाला वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है। इसका मतलब क्या होगा, इसके जो डी आरस है स्टूडेंट्स और इसके डी आरस, वो दोनों क्या होंगे, वो दोनों इक्वल होंगे, इसके डी आरस और इसके डी आरस दोनों इक्वल होंगे। अगर इन दोनों के डी आरस इक्वल है, इसका मतलब है कि अगर ए बी के डी आरस निकालें तो भी बात तो वो कि वही है, बी की तो डी आरस आएंगे, पैरेलल वेक्टर की तो डी आरस आएंगे, ये पैरेलल वेक्टर आया, इसका मतलब क्या है, जो डी आरस है ए बी सी, ये किसके, बी वेक्टर के डी आरस है। तो जब अपन ए बी के डी आरस निकालेंगे, ए बी और सी, यही डी आरस किसके हो जाएंगे, इस बी वेक्टर के डी आरस हो जाएंगे ए बी और सी। तो हमें यही तो चाहिए था, ए बी सी तो चाहिए था, तभी तो बी वेक्टर बनेगा। तो हमने कहा कि अगर हमें इस तरह से निकालना है तो ए वेक्टर तो आपका ए वेक्टर ही बना स्टूडेंट्स, और आपके पास में बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करेंगे तो डी आरस निकल जाएंगे, तो आपके पास में एक कार्टेशियन इक्वेशन आएगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए। ए क्या है, अगेन इसका जो पोजीशन वेक्टर बनने वाला है किसका, ए पॉइंट का, ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो ए वेक्टर है, और बी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर बनने वाला स्टूडेंट्स वो क्या बनेगा आपका, बी वेक्टर, इससे बनेगा बी वेक्टर और इससे बनेगा ए वेक्टर। तो ए वेक्टर इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, और बी वेक्टर कितना, एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप, ये आपका बी वेक्टर बन गया, ए वेक्टर आ गया।
बी वेक्टर आ गया, बी माइनस ए करेंगे तो ए बी लाइन के डी आर्स होंगे और वही उसके पैरेलल लाइन के डी आर्स होने वाले बी वेक्टर, तो आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर आपकी कार्टेशियन इक्वेशन सॉरी वेक्टर इक्वेशन आ गई। अब अपने चलते स्टूडेंट्स कार्टेशियन इक्वेशन निकालने की, कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालेंगे, जैसे इस तरह की कार्टेशियन इक्वेशन थी वही कार्टेशियन इक्वेशन स्टूडेंट्स यहां होने वाली है, तो वो की वो कार्टेशियन इक्वेशन यहां होगी। तो कैसे निकालेंगे, देखो एक्स वन वाई वन जेड वन तो ऊपर एज इट इज आया, ए एज इट इज आया है, इसमें भी ए आया, इसमें भी आया, तो न्यूमरेटर में x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन और z माइनस जेड वन तो एज इट इज। डिनोमिनेटर में कौन आया था, डिनोमिनेटर में एबीसी, एबीसी किसके डीआरस थे, बी वेक्टर के, हमने बी वेक्टर के डीआरस कैसे निकालेंगे, जब दो पॉइंट्स गिवन हो तो डीआरस कैसे निकाले थे अभी, एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन, तो एबीसी जो एबीसी है इसकी जगह कौन आ जाएगा, एबीसी की जगह ये आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन और जेड टू माइनस जेड वन, यही कौन थे, यही तो आपके डीआरस थे, एबीसी तो थे आपके पास में, तो आपकी जो कार्टेशियन इक्वेशन है वो आ जाएगी x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन अपॉन जेड वाई टू माइनस वाई वन और z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन, क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, दैट्स योर कार्टेशियन इक्वेशन। तो अगर इस जो क्वेश्चन में पूछेगा वो दोनों इक्वेशन आपको निकालनी है, कार्टेशियन पूछेगा तो कार्टेशियन, वेक्टर पूछेगा तो वेक्टर, और कुछ नहीं पूछा तो दोनों निकालनी है ना, आई बात समझ में, एक पूछेगा तो एक निकालनी, वेक्टर पूछेगा तो वेक्टर निकालनी, कार्टेशियन पूछेगा तो कार्टेशियन निकालनी, और कुछ भी नहीं पूछा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पूछ लिया तो आपको दोनों निकालनी है। तो स्टूडेंट्स हमने दो चीज़ें पढ़ी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट एंड पैरेलल वेक्टर इज गिवन, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, कार्टेशियन इक्वेशन एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम टू पॉइंट्स, पहला पॉइंट से ए एक्स वन वाई वन जेड वन, दूसरा पॉइंट से बी एक्स टू वाई टू जेड टू, इसका पोजिशन वैक्टर ए वैक्टर, इसका पोजिशन वैक्टर बी वैक्टर, तो वेक्टर इक्वेशन इज इक्वल टू आर वेक्टर, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर से क्या मिलेगा, इसका डी आर्स मिलेगा। ओके कार्टेशियन इक्वेशन देखो, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन, ये जो डिनोमिनेटर में है यही आपका ए बी सी था उस लाइन से जिसके दो पॉइंट्स गिवन है उससे। ओके तो आपके पास में यहाँ तो मेन दो टॉपिक कंप्लीट होते हैं, पहला और दूसरा। अब चलते हैं आपके पास में एक थर्ड टॉपिक और है, थर्ड टॉपिक ये आपके पास में कह रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, दो लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी अपने से पूछी जाएगी कि दो लाइन आपके पास में है तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दो तरीके से दी जा सकती है, पहला आपके पास में देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, इसका भी डायरेक्ट इक्वेशन होती है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, टू लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस तरीके से दी जाएगी, ध्यान से रखेंगे स्टूडेंट्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके पास में सबसे पहले एसक्यू लाइन, एसक्यू लाइन ऐसी लाइन है जो कहीं फ्यूचर में जाकर के इंटरसेक्ट होगी, अभी इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, इंटरसेक्ट जैसी है लेकिन पता नहीं कहाँ जाके इंटरसेक्ट होगी, हमें नहीं पता क्योंकि जहाँ इंटरसेक्ट होगी वहाँ तो डिस्टेंस जीरो रह जाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो, पर अभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं हुई, इंटरसेक्ट के जैसी है, नॉन पैरेलल लाइन कह सकते हैं अपन इसको, दैट्स कॉल्ड एसक्यू लाइन। तो एसक्यू लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, हमने कहा कि भाई एसक्यू लाइन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको अपने को डी कहा है, हमने डी कहा है, क्या क्या नाम दिया बच्चों, डी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का नाम दिया है डी, जो कि कौन सी लाइन होगी, एसक्यू लाइन होगी। एसक्यू लाइन मतलब एक ऐसी लाइन जो नॉन पैरेलल लाइन है जो फ्यूचर में जाकर के कहीं इंटरसेक्ट होगी, तो हमने कहा जो पहली लाइन L1 है उसकी इक्वेशन R वेक्टर इज इक्वल टू A1, A1 क्योंकि अभी दो लाइन है ना दोनों का वेक्टर अलग हुआ, A1 प्लस म्यू बी वन, म्यू यूज करेंगे यहाँ पे, एक में लैम्डा एक में म्यू, ठीक है, और आपके पास एक और होता है डेल्टा, तीन चीन अलग अलग यूज करना है, तो पहली लाइन R1 का नाम R वेक्टर इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा आपके पास है म्यू बी वन और R इज इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा आपके पास में बी टू, आप लैम्डा ऊपर भी दे सकते हो म्यू नीचे भी दे सकते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दो लाइन की इक्वेशन है L1 और L2 की, R वेक्टर A1 वेक्टर प्लस म्यू बी वन वेक्टर और R इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लैम्डा बी टू वेक्टर है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है, इसको निकालने का एक फॉर्मूला है, कौन सी लाइन है, एसक्यू लाइन का। सबसे पहले क्या करना है, बी वन और बी टू का क्रॉस प्रोडक्ट, बी वन कहाँ से आएगा, यहाँ से, बी टू यहाँ से, इसका क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट समझते हैं ना, आई जे के करके 10 में आपके चैप्टर नंबर 10 में निकालना था क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट एक डॉट प्रोडक्ट था एक क्रॉस प्रोडक्ट था जो डिटर्मिनेंट वाली मेथड से निकलता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, वो फिर आपको करना है डॉट मतलब मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ए वन क्रॉस ए टू ए बी वन क्रॉस बी टू करेंगे स्टूडेंट्स तो एक वेक्टर मिलता है, आप लोगों को पता है ना कि क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा आपको क्या मिलता है, एक वेक्टर मिलता है और डॉट प्रोडक्ट में एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है, तो बी वन क्रॉस बी टू में क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा डॉट ए टू माइनस ए वन, डॉट ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन करना है, ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन करेंगे तो ए टू वेक्टर है, ए वन वेक्टर है, तो ए टू माइनस ए वन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वो भी एक वेक्टर आएगा, समझना फॉर्मूले का मतलब समझेंगे। डिस्टेंस निकालनी है दो एसक्यू लाइन के बीच की, आर वेक्टर गिवन है पहली लाइन का, दूसरी लाइन का भी आर वेक्टर गिवन है, मतलब दोनों का वेक्टर इक्वेशन गिवन है, तो बी वन क्रॉस बी टू करेंगे, बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर करेंगे तो स्टूडेंट्स एक वेक्टर आएगा डॉट
ए टू माइनस ए वन करेंगे, ए टू माइनस ए वन का मतलब ए टू वैक्टर में से ए वन वैक्टर को माइनस करेंगे तो भी एक वैक्टर आएगा, उन दोनों का जब डॉट करेंगे तो यू गेट अ न्यूमेरिकल वैल्यू, ए भी एक वैक्टर है ये भी एक वैक्टर है, दोनों का डॉट करेंगे तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू, क्योंकि बी वन और बी टू क्या आने वाला है, एक वैक्टर आने वाला है, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या निकल जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू, ऊपर एक न्यूमेरिकल वैल्यू है नीचे एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, डिवाइड करेंगे यू गेट द डिस्टेंस, क्या मिल जाएगी स्टूडेंट्स आपको डिस्टेंस, कैसी डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द एसक्यू लाइन, कैसे पता चलेगा कि लाइन एसक्यू है कि नहीं है, वो पता चलेगा स्टूडेंट्स देखो ए वन और ए टू तो डिफरेंट ही होने वाले हैं, ए वन और ए टू तो एक जैसे नहीं होंगे, तो जब एसक्यू लाइन की बात करेंगे कि एसक्यू लाइन किसको कहना है, एग्जाम में लिखा हुआ नहीं भी मिले तो भी आपको क्या देखना है, बी वैक्टर देखना है, अगर b1 और b2 वेक्टर में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि b1 और b2 न तो इक्वल है, न तो इन दोनों के drs इक्वल है b1 और b2 के, और न ही b1 और b2 के आपके पास में drs का रेशियो इक्वल है, या तो drs एक जैसे हैं या फिर उनका रेशियो एक जैसा है, तो न तो b1 और b2 में उनके drs निकाला आपने, इसका a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2 दोनों के drs लिए कोई रेशियो नहीं है, कोई रेशियो इक्वल नहीं है, और न ही एग्जैक्ट इक्वल है, कुछ भी नहीं है, न तो इक्वल आ रहे हैं न रेशियो इक्वल आ रहा है, तो आपके पास हम कहेंगे कि b1 और b2 डिफरेंट है, b1 और b2 डिफरेंट है तो लाइन कौन सी हो जाएगी, एसक्यू लाइन, एसक्यू लाइन है तो फॉर्मूला ये लगेगा, ओके, जब ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो अब एसक्यू लाइन नहीं लिखा हुआ, केवल क्वेश्चन क्या था, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गिवन टू लाइंस, तो आपको इन दोनों लाइंस को सॉल्व करना है और आपको वैल्यू निकालनी है, तो आपके पास में बी वन और बी टू को देखना है, देखने से पता चल जाएगा, नहीं पता चला तो रेशियो लेके देख लो, रेशियो में कोई रिलेशन नहीं आ रहा, पहला रेशियो लिया ए वन अपॉन ए टू वो लगा रहा है, बी वन अपॉन बी टू कोई रिलेशन नहीं है, सी वन अपॉन सी टू तीनों डिफरेंस आ रहा है, दैट्स कॉल्ड एसक्यू लाइन, एसक्यू लाइन है तो फॉर्मूला ए लगाना, अब क्या होगा भाई, जब आपके पास में लाइन पैरेलल हो गई, लाइन कैसी हो जाएगी स्टूडेंट्स, पैरेलल हो जाएगी, लाइन पैरेलल हो गई, एसक्यू लाइन हो गई, डिस्टेंस शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन तो एसक्यू लाइन होगी, अब लाइन कैसी होगी, अब लाइन होगी स्टूडेंट्स पैरेलल, पैरेलल लाइंस किसको कहेंगे, जब दोनों लाइन में बी वेक्टर है वो या तो सेम है या उनका रेशियो सेम है, जब दोनों लाइन में आपके पास में दो जो आपके पास में लाइन गिवन है स्टूडेंट्स, या तो वो दो लाइन सेम है या उनका रेशियो सेम है, दैट्स कॉल अ पैरेलल लाइन, उसको अपने को क्या कहना है स्टूडेंट्स, उसको अपने को कहना है पैरेलल लाइन, उनको पैरेलल लाइन कहेंगे, ठीक है, तब उसको पैरेलल लाइन कहना है, तो वो पैरेलल लाइन का आपके पास में किस तरीके से वैल्यू निकालनी है, पैरेलल लाइन की देखें तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वन प्लस लेमडा बी, आपके पास में नाम म्यू भी रख सकते हैं, ए वन प्लस लेमडा बी, और सेकंड वाली आर इज इक्वल टू ए टू प्लस लेमडा बी, देखो मैंने पहले ही यहाँ से क्वेश्चन में भी बी वन और बी, बी और बी दोनों सेम है, बी और बी सेम है, इसका मतलब लाइन क्या है पैरेलल है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी इज इक्वल टू आपके पास में क्या करना है, मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस, ओके, यहाँ पे डॉट होता था, यहाँ पे क्रॉस होगा, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, क्रॉस ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन तो जैसे करते थे वैसे ही करना है, यहाँ पे भी अपन ने ए टू माइनस ए वन किया, यहाँ पे भी ए टू माइनस ए वन करना है, तो ए टू माइनस ए वन कर देंगे, तो बी बी यहाँ से ले लेंगे, दोनों का बी सेम है तो किसी एक बी को ले लेते हैं, ओके, रेशियो आपके पास में सेम हो तो भी आप किसी एक बी को ले लेंगे, वैसे तो आपके पास में ये एग्जैक्ट सेम ही सेम ही सेम ही मिलेगा हमेशा, तो बी वैक्टर इज इक्वल टू ए वैक्टर, बी डी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मॉडुलस ऑफ बी वैक्टर क्रॉस ए टू माइनस ए वन, b एक वेक्टर है, a2 टू माइनस ए वन क्या होगा, एक वेक्टर आएगा, समझना, b एक वेक्टर आएगा, a2 टू माइनस ए वन क्या होगा स्टूडेंट्स, एक वेक्टर आएगा, a2 टू माइनस ए वन एक वेक्टर आएगा, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक वेक्टर आएगा, तो वेक्टर आने के बाद आप उसका क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड, क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड, तो आपको क्या मिलेगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, आई बात समझा, ए टू माइनस ए वन एक वेक्टर आने वाला है, बी एक वेक्टर आने वाला है, दोनों का क्रॉस करेंगे तो आपके पास में क्या मिलेगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, और डिनोमिनेटर के अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एक न्यूमेरिकल वैल्यू, दोनों को डिवाइड करेंगे तो दैट्स कॉल्ड डिस्टेंस, इससे क्या निकल जाएगी स्टूडेंट्स, आपकी डिस्टेंस निकल जाएगी, ठीक है, कौन सी लाइन की, पैरेलल लाइन की, और एक आपके पास में लास्ट है एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस का जो टॉपिक है आपके पास में, ये एंगल बिटवीन टू लाइंस इन टू प्लेन आपके पास में 2021 बोर्ड से हट गया था, है ना, बोर्ड 2021 बोर्ड एग्जाम में ये नहीं आएगा, लेकिन आगे आ सकता है, ठीक है, तो आपके पास में 2021 बोर्ड के हिसाब से नहीं है, पर ध्यान में रहेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, देखो कैसा है, एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालनी है, आपके पास में दो लाइन है L1 और L2, R वेक्टर इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, और R2 R वेक्टर इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2 है आपके पास में, तो एंगल कॉस थीटा इज इक्वल टू, एंगल कॉस थीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा मॉडुलस ऑफ B1 डॉट B2, B1 और B2 ये लेने हैं, इन दोनों का डॉट करना है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 डॉट B2, सीधी सीधी बात, B1 B2 लेने हैं, दोनों का डॉट करना है अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 B2, तो आपके पास सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, तो स्टूडेंट्स ये कुछ चीजें थी आपके पास में जो किससे रिलेशन थी, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का फर्स्ट पार्ट जो स्पेस आपके पास में है, लाइन इन स्पेस, उससे रिलेटेड है, तो आपको इन सबको याद रखने हैं, फॉर्मूले याद होंगे तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन करने
में आपके पास में फॉर्मूले याद होंगे तो क्वेश्चंस बड़े ही चुटकियों में हो जाएंगे, फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आपके पास में इंट्रोडक्शन ऑफ लाइन, लाइन के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है और किस तरीके से आपके पास में इसको सॉल्व करना है और किस तरीके से आपके पास में फॉर्मूले हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज के साथ। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अपनी एक्सरसाइज 11.2, कुछ क्वेश्चंस जो अपने मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, है ना, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस है। आप देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि जो हमने अभी जो वीडियो के अंदर देखा था उसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज है उसके जो क्वेश्चंस है आर वेरी सिंपल्स, दिस क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल्स, ये बहुत सिंपल से क्वेश्चंस है, देखेंगे बहुत सिंपल सा कंसेप्ट स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस। देखें, शो दैट द थ्री लाइन्स, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, शो दैट द थ्री लाइन्स विथ डायरेक्शन कोसाइन आपके पास में 12/13 -3/13 -4/13 4/13 12/13 3/13 3/13 -4/13 एंड 12/13 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब परपेंडिकुलर के जैसे हैं या परपेंडिकुलर ही है, है ना, म्यूचुअली का मतलब उसके जैसा हो, परपेंडिकुलर के जैसा हो या परपेंडिकुलर हो। तो स्टूडेंट्स देखो कि अगर ये परपेंडिकुलर है, वैसे तो ये एंगल बिटवीन टू लाइन का क्वेश्चन है ना, फिर भी इसको देखते हैं अपन। क्या है कि अगर ये परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर कब होंगे, जब दो आपके पास में लाइन परपेंडिकुलर कब होगी, आपके पास में जब दो लाइन परपेंडिकुलर कब होगी, तो ध्यान में रखेंगे दो लाइन परपेंडिकुलर कब होगी, जब दोनों के डी आरस के प्रोडक्ट का सम, कैसे, आपके पास में L1 L2 + M1 M2 + N1 N2 = 0 हो, तो आपके पास में दो लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर्स होती हैं। अगर डी सी गिवन हो तो L1 L2 + M1 M2 + N1 N2 और डी आर से गिवन हो तो A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 कितना होता है, 0। ओके, डी आर्स गिवन हो तो A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 0 होता है और डी सी गिवन होती है तो L1 L2 + M1 M2 + N1 N2 कितना होता है, 0 होता है। तो हमने कहा कि भाई इसके जो डी आर्स है, डी सीज है, वो L1 M1 और N1 है, सेकेंड वाले के जो डी सीज है वो L2 M2 और N2 है। तो हमने कहा इसके अंदर पुट कर दिया, चेक कर लेते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, L1 N2 + M1 M2 + N1 N2 0 है कि नहीं है। तो हमने कहा कि आपके पास में दोनों के डी आर्स को हमने इसके अंदर पुट कर दिया, तो हमने पुट करने के बाद अगर इन दोनों को सॉल्व किया तो वी गेट व्हाट, 0। इसका मतलब हो गया कि ये जो लाइन है जिसके डीसीज ये है और दूसरी लाइन जिसके डीसीज ये है, दोनों कैसी है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर है। अब क्या करना है, अब आपके पास में ये करना है कि L1 और L2 तो ये हो गई, अब आपके पास में ये करना है कि L2 और L3, सेम L2 और L3 का भी आपके पास में डी आर्स का प्रोडक्ट कर देते हैं कि L2 L3 M2 N3 + N2 N3 का प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट करके सम किया तो वो भी कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि L2 एंड L3 आर परपेंडिकुलर, वो भी कैसी है, परपेंडिकुलर है। सेम L1 और L3 की बात कर देते हैं, तो आपके पास में ये L3 लाइन के डीसीज और ये L1 लाइन के डीसीज आपके पास में, तो L3 L1 M2 M3 M1 + N3 N1 को भी हमने प्रोडक्ट किया तो वो भी कितना है स्टूडेंट्स, 0। इसका मतलब हो गया कि L3 और L1 भी कैसी है, परपेंडिकुलर लाइन है, ये आपके पास में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है या परपेंडिकुलर। इसका मतलब कि डीसीज के प्रोडक्ट का सम ऑफ एनी टू लाइंस और डीआर के प्रोडक्ट का सम ऑफ एनी टू लाइंस = 0, देयरफॉर द गिवन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर और म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की तरफ। शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1-1, 2 3-4-2 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू दिस टू पॉइंट्स। मतलब ये बताना है स्टूडेंट्स, समझ में हो गए, है ना, समझ गए होंगे क्या है ये, कि इन दोनों पॉइंट से बनने वाली जो लाइन है वो और इन दोनों पॉइंट से बनने वाली जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है। तो हमने कहा भैया अगर ऐसा है तो इन दोनों पॉइंट्स के जो डी आर्स निकलेंगे A1 B1 और C1, आप डीसीज भी निकाल सकते हो, इन दोनों पॉइंट से जो निकलने वाले डी आर्स है A2 B2 C2, फिर हम यूज़ करेंगे A1 A2 + B1 B2 + C1 C2, अगर ये 0 आ गया तो हम कहेंगे कि क्या है ये, परपेंडिकुलर। तो हमने कहा कि दो पॉइंट्स है 1-1, 2 और 3-4-2 के हमने जो डी आर्स निकाले आपके पास में, तो देखो इन दोनों के आपको क्या निकालने हैं, डी आर्स आपके पास में निकालने हैं, तो इन दोनों के डी आर्स निकाले तो इन दोनों के डी आर्स 3-0 आपके पास में, 3-0 कर देंगे तो आपके पास में 5-3 कर देंगे और आपके पास में 6-2 कर देंगे जो कि आपके पास में है। तो क्या करेंगे, आपके पास में डी आर्स निकालने हैं, देखो स्टूडेंट्स, तो इन दोनों पॉइंट से जो डी आर्स निकाले वो है 2-5 और -4। ओके, और आपके पास में इन दोनों पॉइंट से जो डी आर्स निकाले वो है 3-2 और आपके पास में 4। तो देखो ये तो है आपके पास में, कौन है ये, है स्टूडेंट्स A1 B1 और C1, और ये कौन है, ये है आपके पास में A2 B2 और C2।
दो डी आर्स आपके ए वन बी वन सी वन कैसे निकाले, इन दोनों पॉइंट से निकाले वो, और इन दोनों पॉइंट से आपके पास में निकाले वो ये। अगर इन दोनों के प्रोडक्ट का सम, इन दोनों के प्रोडक्ट का सम कर दिया, देखो 3 × 2 = 6 प्लस 5 × 2 = 10 माइनस का 16, तो हमने पास में ये देखा कि 16 माइनस आपके पास में 16 दैट इज़ अ जीरो। तो इसका मतलब हो गया कि इन दो पॉइंट से बनने वाली लाइन और इन दो पॉइंट से बनने वाली लाइन क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 4 7 8 and 2 3 4 इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। आगे बात समझ में, अभी क्या देखा था, अभी हमने देखा था परपेंडिकुलर, ये सब सारे पार्ट्स आपके पास में एंगल बिटवीन टू लाइंस का पार्ट है स्टूडेंट्स, की पैरेलल और परपेंडिकुलर की कंडीशन है। पर पैरेलल की कंडीशन हम एक और निकाल सकते हैं कि इन दोनों के डी आर्स और इन दोनों के डी आर्स का अगर रेशियो सेम होता है तो आपके पास में परपेंडिकुलर पैरेलल है। परपेंडिकुलर में तो डी आर्स के प्रोडक्ट का सम जीरो होता है, और पैरेलल के केस में क्या होता है, इन दोनों के डी आर्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो हमने कहा आपके पास में दोनों के डी आर्स निकाल देते हैं, तो हमने कहा कि भाई जो ए बी लाइन है, ये ए पॉइंट नाम दिया इसका बी, तो ए बी लाइन के जो डी आर्स आपके पास में आ रहे हैं वो -2 -4 और -4 आ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके नाम क्या रख दिया, इसका नाम हमने रख दिया बी सी, तो आपके पास में यहाँ सी डी नाम दे देते हैं, इसका नाम हमने सी डी रख दिया है, सी डी। सी डी के जो डी आर से आपके पास में वो आ रहे हैं 2 4 और 4। अगर इन दोनों का रेशियो लिया जाए तो आपके पास में हम देखेंगे कि ए वन अपॉन ए टू कितना आ रहा है -1, बी वन अपॉन बी टू कितना आ रहा है -1, सी वन अपॉन सी टू कितना आ रहा है -1। तो बेटा स्टूडेंट्स, अगर डी आर का रेशियो अगर आपके पास में इक्वल होता है, दैट्स कॉल्ड लाइन इज पैरेलल। ये ऐसा रेशियो आपके पास में हम जब कोल इनिटी प्रूफ करनी होती है तब भी अपन यूज़ करेंगे, ओके। तो ए बी लाइन के डी आर्स और सी डी लाइन के डी आर्स का जो रेशियो है वो आपके पास में अगर इक्वल आता है, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, तो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ओके स्टूडेंट्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 जिसके अंदर पैरेलल बताने, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, एग्जाम में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है इसका, इतना कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आता, ओके। चलते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट्स, आपके पास में आ गया पहला कंडीशन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए, ये हो गया अपना ए पॉइंट्स, एंड इस आपके पास में 3 + 2i + पैरेलल टू द वेक्टर 3i + 2j - दैट इज अ बी वेक्टर, और इससे जो बनने वाला वेक्टर है उसका नाम क्या रख देंगे, ए वेक्टर, ओके। तो ए वेक्टर हो गया आपके पास में i + 2j + 3k, एंड बी वेक्टर आपके पास में हो गया बी वेक्टर इक्वल टू 3i + 2j - 2k, ये हो गया बी वेक्टर। कौन सी इक्वेशन निकालनी है, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास में, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये देखो कुछ नहीं लिखा होगा है ना, तो आपको जब कुछ नहीं लिखा हुआ स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे तो अपन ने केवल एक वेक्टर इक्वेशन फाइंड किया, तो आपको दोनों फाइंड करनी है, वेक्टर भी और एज वेल एज कार्टेशियन भी, ओके। तो आपके पास में आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर का फॉर्मूला यूज़ किया, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, बस इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही आपका है आंसर, यही है इक्वेशन ऑफ लाइन आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, यही है आपकी लाइन स्टूडेंट्स, यही है आपका आंसर, तो आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ओके। चलते हैं आपके पास में नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन, देखो यहाँ पे दोनों लिखी हुई है तो दोनों फाइंड करनी है, इस पासेस थ्रू द पॉइंट्स पोजिशन वेक्टर, देखो ए वेक्टर पहले से गिवन है, इसने अपने पास में अच्छा आदमी है, इसने ए वेक्टर पहले से दे दिया, एंड इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब बी वेक्टर है ना, पैरेलल डायरेक्शन मतलब बी वेक्टर, इन द डायरेक्शन मतलब पैरेलल वेक्टर जो है आपके पास में बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर आपके पास में हो गया i + 2j - k, और ए वेक्टर हो गया 2i - j + 4k, तो आपके पास में डायरेक्ट अपन ने फॉर्मूला यूज़ किया, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, तो r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर हमने यूज़ किया आपके आपके पास में, तो ये होगी आपकी कौन सी, दैट्स योर वेक्टर इक्वेशन, दैट इज़ अ वेक्टर इक्वेशन। अब आपको क्या चाहिए, कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए, तो कार्टेशियन इक्वेशन किस तरीके से निकालने है? देखेंगे कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, कार्टेशियन इक्वेशन ये होती है कि ये जो पॉइंट्स होते हैं इसके कोऑर्डिनेट होते हैं x1 दैट इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू -1, और z1 इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स, 4 है, x1 2 है, y1 -1 और z1 4 है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो ABC होते हैं, तो a इज इक्वल टू कितना है, 1 है, b इज इक्वल टू कितना है, 2 है, और सी इज इक्वल टू कितना है, -1। बस जो हमारी इक्वेशन थी उसके अंदर आप इसको पुट करेंगे, तो आपने जैसे पुट किया x - x1, तो आपके पास में देखो स्टूडेंट्स x1 कितना था, x1 आप देखेंगे तो आपके पास में 2 था, y1 कितना था, -1 था, और z1 कितना था आपके पास में, 4 था, ए कितना था, ए था 1, बी था 2, और सी आपके पास में कितना था, -1। डायरेक्ट को आपको x - x1 / a जो आपकी इक्वेशन थी, x - x1 / a इज इक्वल टू y - y1 / b
इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी के अंदर डायरेक्ट आपको ये जो वैल्यू थी एक्स वाई जेड की और ए बी सी की वैल्यू आप पुट करेंगे तो यू गेट द डायरेक्टली कार्टेशियन इक्वेशन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू वाई वन माइनस वाई वाई प्लस वन बाई टू इज इक्वल्स टू जेड माइनस फोर बाय माइनस का वन आपको डायरेक्टली पुट करनी है. ओके नेक्स्ट चलते हैं आपके पास में क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहता है. फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट्स ए और अब पैरेलल टू द गिवन लाइन. इस लाइन के पैरेलल तो इसका मतलब हो गया समझना स्टूडेंट्स कि अगर इस लाइन के पैरेलल और इस पॉइंट से जाने वाली लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करो तो सीधी सीधी बात है कि स्टूडेंट्स अगर इस लाइन के पैरेलल जो भी लाइन रहने वाली है तो उसके डीआरस भी कितने होंगे 3, 5 और 6 क्योंकि दो पहले लाइन के डीआरस इक्वल होते हैं. तो डीआरस मिल गए आपके पास में ए बी सी की वैल्यू मिल गई है ए 3 है बी 5 है और सी 6 है क्योंकि ये पैरेलल है किसके उस लाइन के जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है. तो 3, 5, 6 अगर इसकी वैल्यू है तो ए बी सी आपके पास में 3, 5, 6 हो गए और आपके पास में एक्स वन कितना हो गया माइनस टू वाई कितना हो गया 4 और आपके पास में वाई वन और जेड वन कितना हो गया माइनस का 5. तो बस आपको बोला इसके फॉर्मूले के अंदर पुट किया एक्स माइनस एक्स वन तो एक्स माइनस माइनस का 2 तो प्लस का 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन वाई वन है आपका 4 अपॉन 5 और जेड माइनस जेड वन तो जेड वन माइनस का जेड वन कितना आपके पास में जेड वन कितना है माइनस का 5 तो दैट इज प्लस 5 अपॉन 6 दैट्स योर आंसर. ओके पैरेलल थी इसलिए इसके डीआरस और अपने जो फाइंड करने उस लाइन के डीआरस क्या रहेंगे स्टूडेंट्स सेम रहेंगे. ओके ये निकल गए. बहुत सिंपल से क्वेश्चन है स्टूडेंट्स बहुत सिंपल से क्वेश्चन है. सेवन देखें द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज दैट व्हाट इज अ वेक्टर इक्वेशन. भैया ये कार्टेशियन इक्वेशन देवन ने दे रखी है वेक्टर इक्वेशन फाइंड करो. तो हमने कहा भैया कार्टेशियन इक्वेशन में यहाँ जो लिखी होती है वो एक्स वन होता है एक्स वन आपके पास में 5 है यहाँ जो लिखा हुआ वाई वन होता है वाई वन माइनस का 4 है क्योंकि प्लस का 4 है और यहाँ लिखी हुई वैल्यू जेड वन होती है वो कितना 6 है. तो एक्स वन वाई वन और जेड वन आपके पास में आ गया और नीचे होते हैं ए बी और सी इससे जो बनने वाला वेक्टर वो बी वेक्टर. तो बी वेक्टर कितना हो जाएगा बी वेक्टर हो जाएगा आपके पास में 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप और आपके पास में ए वेक्टर कितना हो जाएगा 5i कैप माइनस 4j कैप और प्लस 6k कैप. बस पुट करना है आर वेक्टर इज इक्वल टू ई रहा देखो डायरेक्ट आप लिखेंगे तो 5i कैप माइनस का 4j कैप और 6k कैप इससे तो बन गया ए वेक्टर और बी वेक्टर कितना 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप. तो आपके पास में ये बन गया आपका बी वेक्टर है ना स्टूडेंट्स. तो इस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा 7 क्वेश्चंस के लिए. फिर स्टूडेंट्स चलते हैं 9 क्वेश्चन के अंदर. फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू दिस टू पॉइंट. दो पॉइंट से पास होने वाले वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन दो पॉइंट से पास होने वाले आपके पास में है तो पहला पॉइंट तो ये हो गया इसको क्या बना देंगे ए वेक्टर तो ये हो गया ए वेक्टर. अब आपको क्या करना है बी वेक्टर बनाना है. बी वेक्टर कैसे मिला लेंगे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 - 3 -2 - 2 और 5, 6 - आपके 5 तो प्लस का 6 तो बी वेक्टर आपके पास में ये निकल गया दोनों के सब्ट्रैक्शन से बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर जिसको बी वेक्टर कहते हैं. तो आपके पास में इक्वेशन होगी आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर या फिर आपके पास में बी वेक्टर नाम देख सकते हो. बी वेक्टर नाम नहीं लिखना है तो क्या लिखेंगे बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर. तो पहले हमने सॉल्व कर दिया बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर जो कितना आ रहा है 11k कैप आ रहा है जो कितना आ रहा है 11k कैप कौन आ रहा है बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर दैट्स 11k कैप. तो अपन कहेंगे कि आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस 11k कैप इज योर आंसर. अब आपको कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी एक्स माइनस 3 आपके पास में अपॉन 0 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 2 अपॉन 0 इज इक्वल्स टू आपके पास में जेड प्लस 5 अपॉन 11. देखो ये कार्टेशियन इक्वेशन निकल गई एक्स माइनस 3 अपॉन 0 वाई माइनस 2 अपॉन 0 जेड माइनस 5 अपॉन 0 कैसे निकली बस ये जो आपके पास में वैल्यू निकाली थी आपने किसकी ए बी सी की वैल्यू 0, 0 और 11 ये तो हो गई ए बी सी की वैल्यू और आपके पास में ए एक्स वन वाई वन जेड वन कितना था 3 - 2 और -5 पहले वाले कोऑर्डिनेट को एक्स वन वाई वन जेड वन कहना. बस आपको पुट करना है इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन में पुट करना था इक्वेशन थी ना आपकी कौन सी एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन और इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन. बस इसके अंदर पुट करना है दोनों पॉइंट्स को मिल जाएगी आपकी इक्वेशंस. देखते नेक्स्ट अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी. पी की वैल्यू फाइंड करो स्टूडेंट्स पी की वैल्यू फाइंड करो इस पी की वैल्यू फाइंड करो अगर ये लाइन और ये लाइन क्या है आर इंटरसेक्ट एट द राइट एंगल. राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है इसका मतलब परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कि इन दोनों के जो डीआरस होंगे उनका प्रोडक्ट का सम कितना 0. अब समझना कि हमारी इक्वेशन में हमेशा क्या होता है कि एक्स पहले आता है स्टूडेंट्स एक्स पहले आता है इसमें एक्स बाद में है एक्स वाई जेड अकेले होते हैं पर इसके साथ में 7 है ये तो सही है इसके अंदर भी एक्स आपके पास में अकेला नहीं है और पीछे भी लिखा हुआ है और इसमें भी जेड आपके पास में ऐसा लिखा हुआ है. तो आपको क्या करना पड़ेगा स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना है एक्स को पहले लेना पड़ेगा तो कॉमन लेना पड़ेगा तो माइनस कॉमन लेंगे तो डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा माइनस का 3. ओके
ये माइनस का 3। फिर इसमें से आपका 7 वाई अकेला होना चाहिए, तो 7 कॉमन लेंगे तो 7 बाहर आएगा, वो 7 पी के 2p के डिवाइड में भेज देंगे तो 7 वाई अकेला हो जाएगा, ये हो गया अकेला। फिर ये तो ओके एज इट इज़ है, ये हो गया। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे तो माइनस 7 कॉमन लेना पड़ेगा और माइनस 7 को डिवाइड में भेजेंगे तो माइनस का 3p/7 हो जाएगा, ये तो एज इट इज़ है। इसके अंदर से भी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तो माइनस जेड माइनस 6/-5 हो जाएगा। तो ए बी सी कितना है, -3 -2p/7 और आपके पास में सी, ये तो हो गया a1 b1 c1। a2 b2 c2 कितना, -3p/7 1 और -5p हो गया a2 b2 c2। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों के प्रोडक्ट का सम कितना, 0। तो बस a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0, प्रोडक्ट का सम = 0 रखा तो p = कितना आ गया, 70/11। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जो अपन पढ़ रहे हैं वही यूज़ हो रहा है, बाकी कोई नया कोई कंसेप्ट यूज़ नहीं हो रहा है। 13, शो दैट दिस लाइन्स एंड दिस लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों परपेंडिकुलर है ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर इसका मतलब ये हो गया, आपको समझ में आ गई होगी क्या करना है, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0 यूज़ करना है। अगर आप यूज़ करते हैं और आपके पास में a1 a2 b1 b2 + c1 c2, ये आपके पास में जाएंगे a1 b1 c1, ये हो जाएंगे a2 b2 c2, इन दोनों के प्रोडक्ट का सम यूज़ करेंगे 0 आता है, तो यस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स, दो लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने ये सीखा था आपके पास में कि सबसे पहले ये देखने की लाइन कैसी है, इसकी है कि आपके पास में पैरेलल है, तो वो कहाँ से पता चलता है, वो बी वैक्टर से पता चलता है। इसका बी वैक्टर ये है, इसका बी वैक्टर है, क्या इसमें कोई रिलेशन है क्या, 1 -1 और 1 है, ये कितना 2 1 और 2 है, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -1/1 और ये हो जाएगा 1/2, तो अपने पास में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये तो हो गया b1 और ये हो गया b1। b1 और b2 क्या है, दोनों के दोनों डिफरेंट है, दोनों के दोनों डिफरेंट है, तो ये होगी sq line ये होगी आपके पास में। तो हमने कहा कि sq line का जो फॉर्मूला है वो ये यूज़ करना है आपके पास में कि b1 × b2 · a2 - a1 / b1 × b2, तो आपके पास में और इसके अंदर अपने को पुट करनी है। तो स्टूडेंट्स अपने को ये फॉर्मूला यूज़ करना है, d = b1 × b2 · a2 - a1 / b1 × b2। तो उसके लिए अपन ने क्या किया, पहले a2 - a1 निकाला, a1 आपके पास में a2 - a1 निकालना था, तो ये आपका a2 था और ये आपका a1 था, तो a2 - a1 कर दिया तो यू गेट i - 3j - 2k। और अपने b1 × b2 भी चाहिए क्योंकि फॉर्मूले के अंदर b1 × b2 भी चाहिए, तो b1 × b2 आपके पास में हमें पता है कि b1 × b2 क्या होगा, एक डिटर्मिनेंट से सॉल्व होने वाला है और क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा। तो b1 × b2 क्या मिला, b1 × b2 हमें मिला आपके पास में एक वेक्टर मिला है, और वो वेक्टर कैसा है, वो वेक्टर आपके पास में है -3i + 3k, -3i और + 3k आपके पास में ये एक वेक्टर मिला। अब आपको क्या करना है, अपन ने देखो डिनोमिनेटर के अंदर b1 × b2 के मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ेगी, तो हमने कहा कि b1 × b2 का अपने को निकालना है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकाला इसका, तो 3 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, दैट इज 9 + 9 = 18, दैट इज 3√2। तो 3√2 आपके पास में आ गया। अब क्या करना है आपके पास में, अब बस अब इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूले के अंदर, तो ये b1 × b2 · a2 - a1 / magnitude of b1 × b2। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास में -3i, इस i से मल्टीप्लाई करके -3 × 1 हो जाएगा, ये तो है ही नहीं, k आपके पास में मल्टीप्लाई करेगा 3 × -2, दैट इज़ -6 -9/3√2, तो आपके पास में ये कट जाएगा, दैट इज़ 3/√2, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में दैट्स 3√2/2 क्या हो जाएगा योर आंसर। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को आपको इस तरीके से करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स आपका एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे एक्सप्लेन आपके पास में कर रहा हूँ किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास में दो कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, उन दो कार्टेशियन इक्वेशन के बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स उन दो कार्टेशियन इक्वेशन के बीच में अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है ना, तो आपको कार्टेशियन इक्वेशन यूज़ नहीं करनी, क्योंकि कार्टेशियन इक्वेशन के डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपके पास में, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है वो थोड़ा सा बड़ा है और कॉम्प्लिकेटिव वाला है, तो आप उसको भूल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उन दोनों को वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, जो भी कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है और एंगल पूछा जाए आपके पास में या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी जाए, तो आप उसको पहले कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, और कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद देख लो कि उनका क्या बी वैक्टर सेम है, अगर बी वन और बी टू सेम है आपके पास में, तो आपको इस आपके पास में पैरेलल लाइन होगी, पैरेलल लाइन का फॉर्मूला लगा दो, और नहीं बी वन इज़ नॉट इक्वल्स टू बी टू है तो स्क्वायर लाइन होगी, स्क्वायर लाइन का फॉर्मूला लगा दो, तो आपको डायरेक्ट कार्टेशियन इक्वेशन यूज़ नहीं करनी स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है, आपको उसके अंदर आपके पास में क्या क्या यूज़ करना है, आपको उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, वेक्टर इक्वेशन के अंदर। वेक्टर इक्वेशन कन्वर्ट करने के बाद फिर शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला फाइंड आपको करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक तो आपका एक क्वेश्चन आपके पास में एक्सरसाइज 11.2। इसके बाद अपन पढ़ेंगे प्लेन, प्लेन के अंदर भी यही पहले उसका कंसेप्ट पढ़ेंगे कि प्लेन में कौन कौन से कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज तो बहुत सिंपल से है। ओके तो आपके पास में एक क्वेश्चन लाइन का और एक क्वेश्चन प्लेन का, प्लेन का एक बड़ा क्वेश्चन तो फिक्स है ओके आपके पास में, तो वो अपन देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट प्लेन के साथ।